आज बननी है ईद स्पेशल सवैयां, वो भी दूध के बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज बन रही है फर्स्ट रेसिपी ईद की, और ये हम सवैयां बना रहे हैं क्रंची सी। और मज़ीद बहुत सारी रेसिपीज़ ईद के लिए जो मैंने प्लान की हुई हैं, एंड पे मैं आपको उनका मेन्यू भी बताऊंगी। तो ज़रूर टिके रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नई नई ईद की रेसिपीज़ देखने के लिए। इसके लिए हम लेंगे 4 टेबलस्पून चीनी और 5 टेबलस्पून पानी, ठीक है। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे शीरा बनने के लिए छोड़ देते हैं। 1 टेबलस्पून है देसी घी और 1 इलायची उसमें डाल दी है हल्की आंच पे। और 100 ग्राम तकरीबन सवैयाँ, बारीक वाली सवैयाँ लेनी है आपने इसके लिए, ठीक है। और वो डाल दी मैंने इसमें शीरा, देखें जब तक कि आखिरी ड्रॉप उसका आराम से गिरे तब तक आपने शीरे को पकाना है। चूल्हा बंद कर देना। जो सवैयाँ थी उनको 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे हल्की आंच पे भूनना है हमने थोड़ा सा, कि ज़रा उनका कच्चापन दूर हो जाए और फ्राई सी हो जाए ज़रा। उसके बाद उनको निकाल लेंगे प्लेट पर, और जो गर्मा गर्म शीरा हमने रेडी करके रखा है ना, वो डाल देंगे ऊपर से। और ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी सवैयाँ हमारी रेडी हो गई। ऊपर से बादाम पिस्ते, दिल करे तो डालें, ना दिल करे तो ना डालें, और इन्जॉय करें। जिनको क्रंची क्रंची चीज़ें पसंद हैं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त हैं। और इसको अगर आप फ्योनियों के साथ बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मुझे भी फ्योनियाँ जो है वो क्रंची पसंद हैं। दूध डालने के बाद ना उनके नरम होने से पहले मेरा मकसद होता है उनको खा लेना, तो उस के लिए भी ये बड़ी अच्छी रेसिपी है कि दूध का तो चक्कर ही नहीं, तो वो क्रिस्पी भी रहेंगे और आप इंजॉय भी करेंगे और मीठी भी हो जाएंगी, ठीक है। चलें जी, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करें मेन्यू के, और ईद के लिए क्या क्या मैंने प्लान किया हुआ है। इस बार आपको पता है कि मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल केक, और जिन्होंने मेरी केक की पुरानी रेसिपियाँ देखी हैं ना, उनको तो अंदाज़ा होगा कि मैं कैसा केक बनाती हूँ। लेकिन जी नहीं, इस बार मैंने बड़ा ही ज़बरदस्त मेहनत करके केक तकरीबन बना लिया है, और बस रेडी होकर इंशाल्लाह आप तक पहुंचने वाला है। ज़रूर देखिएगा मेरी कोशिश कैसी रही। और मैंने बनानी है आइसक्रीम, ओरियो आइसक्रीम, जो कि ओरियो के पैकेट में ही हम जमाने वाले हैं। फ्रूट कस्टर्ड बन रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा ट्राइफल फ्रूट कस्टर्ड, यस। और क्या था, और क्या था, ओरियो डिलाइट मैं बना रही हूँ, वो भी इंशाल्लाह बहुत ईजी है, और वो भी बस रेडी हो जाएगी और आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करें अगर आप ईद पे नई नई रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। और अगर इनमें से किसी रेसिपी में आप इंटरेस्टेड हैं, या कोई रेसिपी जो आपको अच्छी लगी है, कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताएं। और आपने क्या स्पेशल प्लान किया हुआ है ईद पे, ये भी ज़रूर लिख के बताएं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।